लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस टावर तक पहुंचते, उनका सामना एक इविल डीटी से होता है। वो उनसे एक गेम खेलने को कहता है और देखते ही देखते वहां बहुत सारे बैम्बू स्टिक्स निकल आते हैं। वो उनसे कहता है कि अब तुम्हें बिना इन बैम्बूस को टच किए मेरी पीठ से टंगी हुई तलवार लेनी है, और अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर पत्थर का बन जाएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक डीटी यानी गॉड दिखाई देता है, जो इंसानों के बीच होने वाली लड़ाइयों को रोकना चाहता है, लेकिन उसके ही कुछ गद्दार साथियों के धोखा देने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के कारण उसकी बहनें गुस्सा हो जाती हैं और बदला लेने का फैसला करती हैं। इसलिए वो इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहती हैं, साथ ही वो इंसानों को खत्म करने के लिए और भी इविल गॉड से मिल जाती हैं। तभी हमें मूवी का मेन कैरेक्टर अर्लिन दिखाई देता है, जो वहां अपने गुरु के साथ आया होता है। उसका मकसद होता है एक ऐसे बैरियर को तोड़ना जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में मौजूद है, क्योंकि इसका ही यूज करके वो सारी बहनें इंसानों को गुलाम बना रही थी। अर्लिन वहाँ बादलों के बीच में होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता कि उस बैरियर को तोड़ना कैसे है। तभी बादलों से अचानक बहुत से हथियार उड़कर उन पर हमला कर रहे होते हैं और वो बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करता है। तभी उनके सामने एक इविल गॉड आती है और उसका गुरु उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि उसके भाई की मौत के बदले अब इंसानों को अपनी सोल देनी होगी। वो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी वो उन्हें बैरियर दिखाती है और उन्हें इग्नोर कर देती है। अर्लिन उस पर अटैक करके लड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी पावर नहीं होती कि वो उसका सामना कर सके, इसलिए वो उसके हमलों से बहुत ही आराम से खेल रही होती है। और जब वो वार करती है तो अर्लिन बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है, लेकिन उनके बीच में अर्लिन का गुरु आ जाता है, जो उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। वो अर्लिन से कहता है कि इसे मैं देख लूंगा, तुम जाकर उस बैरियर को तोड़ो। और जैसे ही वो उस बैरियर यानी कि एस्ट्रोलॉब को तोड़ने आगे बढ़ता है, वो उस पर फायरबॉल से हमला कर देती है, और जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी वो बॉल्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती। तभी एक ब्लास्ट होता है और जब अर्लिन की आंख खुलती है तो वो एक बेड पर लेटा हुआ होता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि वो अब है कहाँ। तभी वो बाहर देखता है कि वो एक गांव में है और शायद उन गांव वालों ने ही उसकी जान बचाई थी। तभी वहां आसमान काला होने लगता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है, जो किसी बात को लेकर थोड़ा टेंस होती है और अपने आसपास के लोगों को देख रही होती है। तभी वहां कुछ मास्क पहने हुए लोग दिखाई देते हैं, जो उन्हीं बहनों के लिए काम करते हैं, और वो लड़की जिसका नाम मून होता है, वो उसे ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उसका भाई एक रोप से उसे पीछे खींचता है और उन लोगों का विरोध करते हुए कहता है कि अब वो किसी और की सोल को स्लेव नहीं बना सकते। मून का भाई उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मास्क पहने हुए लोग आपस में एनर्जी का यूज करके एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं, और वो मॉन्स्टर वहां खड़े हुए लोगों पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी मून की नजर वहां रोती हुई एक बच्ची पर पड़ती है और वो उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ वो मॉन्स्टर भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और जैसे ही वो मून पर हमला करने वाला होता है, अर्लिन बीच में आ जाता है और एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को हवा से बातें करा देता है। तभी मून उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है, लेकिन गाँव का लीडर वहां आकर उनसे कहता है कि ये खुशी मनाने का पल नहीं है, अब वो गॉडेस गुस्से में इस गाँव से बदला जरूर लेगी। लेकिन तभी वहां खड़ा एक आदमी उस लीडर से अर्लिन के लॉकेट के बारे में बताता है कि वो उन्हें बचाने वाला गॉड है और हो ना हो यहाँ वो इंसानों की हेल्प करने आया है। लेकिन अर्लिन उनके इस दावे से साफ इनकार कर देता है। वो उन्हें बताता है कि भले ही मेरा जन्म हेवन में हुआ है, लेकिन मेरा शरीर इंसानों के ही जैसा है, लेकिन फिर भी गांव वाले चाहते हैं कि अर्लिन उनकी मदद करे। वो उसे उस गॉडेस का स्केच दिखाते हैं, जिसे देखते ही उसे याद आ जाता है कि वो वही गॉडेस है जिससे उसका सामना हुआ था। उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो उनसे वादा करता है कि वो उनकी सुरक्षा करेगा, लेकिन उस डीटी का सर्वनाश करने के लिए उसे स्लेयर ऑफ गॉड नाम का एक खास वेपन चाहिए, जो गॉड टावर के अंदर मौजूद है। मून उनसे कहती है कि वो भी अर्लिन के साथ जाएगी, क्योंकि वो डीमंस का असली चेहरा देख सकती है, और इस तरह वो दोनों वेपन्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में मून उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। तभी अर्लिन को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और फिर उन्हें पता चलता है कि उनका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मून का भाई होता है, और वो भी उनके साथ चल देता है। तभी उनकी नजर जंगल के बीचों बीच मौजूद एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है। उसके अंदर जाने पर उन्हें वहां कुछ खाना खाते हुए लोग दिखाई देते हैं। वो लोग भी खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन अर्लिन वो ड्रिंक नहीं लेता, क्योंकि उसे वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उस लड़की का हाथ जोर से मोड़कर आगे ले आता है और अपने साथियों को बताता है कि ये एक इल्यूजन है, क्योंकि यहां सब कुछ एक ही मोशन में रिपीट हो रहा है। तभी मून अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वो उन डीमंस को देख सके। तभी वो देखती है कि सामने खड़ी हुई लड़की की लिप्स ही नहीं है, यानी वो एक
डीमन है और वो उसको देखकर डर जाती है। मून जैसे ही सच्चाई बताती है वो रेस्टोरेंट अपने असल रूप में आ जाता है और वहाँ बहुत से मरे हुए लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। तभी उस डीमन और अर्लिन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अर्लिन उस पर वार करता है लेकिन वो बच जाती है और अपनी शक्ति से बहुत सारे वेपन्स को एक साथ उस पर फेंकती है, लेकिन अर्लिन भी उसके वार से बच जाता है। तभी मून की नजर उस डीमन के हेयर पिन पर पड़ती है जिस पर कुछ लिखा होता है, और वो डीमन अर्लिन और मून के भाई से जब लड़ रही होती है इसी दौरान मून उस लड़की के बालों से वो पिन निकाल लेती है और अर्लिन उस डीमन को रोक कर रखता है। तभी मून उस पिन से उस लिखे हुए वर्ड को मिटा देती है जिससे वहाँ बैठा हुआ एक आदमी जो कुछ लिख रहा होता है वो गायब होने लगता है और उस लड़की के फेस पर फिर से लिप्स वापस आ जाते हैं, यानी अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। उसके बाद वो उन्हें अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसका जन्म उस राइटर के लेटर से हुआ जिसे गॉड बनने की चाहत थी, लेकिन उसकी मिस्टेक्स की वजह से वो मर गया और वो लड़की एक डीमन बन गई। फिर वो लड़की मून को एक कैंडल देती है और हवा में डिसअपीयर हो जाती है। अगले दिन वो लोग उस कैंडल की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस टावर तक पहुंचते उनका सामना एक इविल डीटी से होता है। वो उनसे एक गेम खेलने को कहता है और देखते ही देखते वहां बहुत सारे बैम्बू स्टिक्स निकल आते हैं। वो उनसे कहता है कि अब तुम्हें बिना इन बैम्बूस को टच किए मेरी पीठ से टंगी हुई तलवार लेनी है और अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर पत्थर का बन जाएगा। इतना कहते ही वो डीमन उन पर हमला कर देता है और मून का भाई उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर भागने की कोशिश करता है। तभी अर्लिन उस डीमन को अपने वेपन से रोक देता है। उनके बीच लड़ाई चल रही होती है तभी मून का भाई अपनी जादुई रोप से उस डीमन को एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है और जिससे उन्हें वो तलवार मिल जाती है। तलवार उनके हाथ आते ही वहाँ एक और रास्ता ओपन होता है जो उन्हें अगले लेवल पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ जाते वो डीमन नीचे आ जाता है और उन्हें पत्थर बनाने आने लगता है। ये देखकर मून का भाई उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे वो डीमन उसे पत्थर बना देता है और यहाँ अर्लिन और मून नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर मून बहुत उदास हो जाती है, लेकिन अर्लिन उसे समझाते हुए कहता है अगर हमने वो वेपन हासिल कर लिया तो तुम्हारा भाई फिर से ठीक हो सकता है। इससे पहले कि वो संभलते वहाँ एक और डीमन आ जाती है और वो उनसे कहती है कि अगर वो उसका स्केच सही बनाएंगे तभी वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, और क्योंकि मून के पास डीमंस का रियल फेस देखने की पावर होती है इसलिए वो उसे उसका सही स्केच बनाकर दे देते हैं। और इस टास्क को कंप्लीट करते ही नेक्स्ट लेवल के लिए एक और पोर्टल ओपन होता है, लेकिन उसके खुलते ही वहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और उस पोर्टल में अर्लिन तो एंटर हो जाता है लेकिन मून वहीं फंस जाती है। अर्लिन उसे अपने पास खींचने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम होता है। तभी मून उसे कहती है कि तुम वेपन को हासिल करो, मैं यहीं ठीक हूँ। जैसे ही वो उसका हाथ छोड़ता है वो पोर्टल वहाँ से गायब हो जाता है और अर्लिन का सामना वहाँ एक आखिरी डीमन से होता है। वो अर्लिन से कहता है कि अगर वो उससे लड़ाई में जीत जाएगा तो उसे स्लेयर ऑफ गॉड मिल जाएगा। अर्लिन उस पर लगातार वार करना शुरू कर देता है लेकिन वो बड़े आराम से अर्लिन को उसी के वार से मार रहा होता है। अर्लिन अपनी पूरी फोर्स लगाकर दोबारा उस पर अटैक करता है लेकिन फिर से वो नाकाम होता है और उस डीमन के पलट वार से अर्लिन को लगता है कि शायद वो उससे हार जाएगा, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों का ख्याल आता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया है और उसकी हार से पूरी मानव प्रजाति की उम्मीद भी टूट जाएगी। यही सोचकर वो दोबारा फुल फोर्स के साथ अपने वेपन्स का यूज करके उस पर वार करता है जिससे वो डीमन भी मारा जाता है। तभी अर्लिन के वेपन की शेप भी चेंज हो जाती है और उसे एहसास होता है कि स्लेयर ऑफ गॉड कोई वेपन नहीं बल्कि पावर थी जो अब उसे मिल चुकी थी। तभी उसे पीछे से मून की आवाज आती है, यानी वो भी अभी जिंदा है, और मून का भाई भी वहाँ ये कहते हुए आता है कि उसने भी उस डीमन को हरा दिया और वो दोनों उन डीमन से मिली हुई पावर्स अर्लिन को दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जरा खुश होते वहाँ टावर टूटना शुरू हो जाता है और वो लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर उनके सामने वही गॉडेस आती है जिससे अर्लिन की फाइट हुई थी। वो उनसे थैंक्स कहती है कि इस टावर के टूटने से अब वो और पावरफुल हो चुकी है, ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो लोग मून की पावर का यूज करके उस गॉडेस तक पहुँच जाते हैं और वो उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो अकेले ही उन तीनों पर भारी पड़ रही होती है। उनके बहुत से हमले करने के बाद भी वो बड़े आराम से उसका सामना कर रही होती है। तभी वो अर्लिन पर वार करती है जिससे उसे चोट लग जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। उसे घायल देखकर वो उस पर दोबारा वार करती है। तभी मून अपनी पूरी पावर्स के साथ उसका वेपन रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उस वेपन को नहीं रोक पाती और अर्लिन की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर अर्लिन इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो भी उसे लाइक करने लगा था और अपनी सबसे प्यारी फ्रेंड को खोने के बाद उसे पावर मिलती है और वो भी गॉड बन जाता है। और तभी उसके माथे में एक तीसरी आंख अपीयर होती है। ये देखकर वो इविल गॉड उस पर बहुत से वार करने लगती है लेकिन अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे उसके हमलों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो परेशान हो जाती है और अपने सारे वेपन्स का यूज करके उस पर हमला करती है लेकिन वो इस अटैक से भी बच जाता है। अर्लिन अपने वेपन को जमीन पर जोर से मारता है जिससे वहां मौजूद सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। फिर वो मूवी की शुरुआत में दिखाए हुए एशोलॉप की तरफ
जाता है, लेकिन तभी वो उस एविल गॉड की बाकी बहनें भी वहां आ जाती हैं। अली उनको मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो तीनों आपस में अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक बहुत बड़े गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। फिर अर्लिन अपनी तीसरी आंख से लेजर जैसी पावर का यूज करके सुपरमैन की तरह उन पर हमला करता है, जिससे वो तीनों फिर से अलग हो जाती हैं। और जैसे ही अर्लिन उन्हें मारने वाला होता है, तभी फिर से अर्लिन के गुरु की एंट्री होती है और वो उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होने तक एक पेपर में कैद कर देते हैं और अर्लिन को उसकी शक्तियों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाते हैं। उसके बाद अर्लिन दोबारा उसी गाँव में जाता है और मून को याद करते हुए ये वादा करता है कि वो उसको अगले जन्म में जरूर ढूंढेगा। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक भी करके जाएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।